तो आज लंच में बनी है मैगी, शॉर्टकट मैगी। तो कभी कभी ना लंच शॉर्टकट हो जाता है, तो बहुत सारी मलाई पड़ रखी है मेरे पास। मैं इसका बटर बना के रख दूंगी फ्रिज में, और जब गलाना होगा मुझे घी, जब भी टाइम लगेगा तब घी बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप से, और मतलब आज हाफ डे था लेने की, तो मैंने फुल डे सोची थी कि मैं फुल डे ऑफ लूंगी, लेकिन मुझे ऑफ नहीं मिला, इस वजह से फिर मैंने हाफ डे किया, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले हाफ डे कर लेती हूँ आज। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ किच्छा। किच्छा मतलब ऐसे जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे पहले से, लेकिन भाभी लोग जा रहे हैं, उनको कुछ काम है, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ देखने के लिए वहाँ का मार्केट की कैसा है, क्या मिलता है वहाँ पे। कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो सोच रही हूँ कि चलो हम लोग भी चले जाते हैं उनके साथ ही, थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है और पता भी चल जाता है मार्केट का। तो मैं अभी जा रही हूँ उनके साथ, और अभी आपने देख लिया होगा मैंने बटर बना के रख दिया है, और बाकी के काम मैं आके करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं किच्छा। अभी भाभी कर रही हैं ड्राइव और गाइड कर रहे हैं अमित उन्हें, क्योंकि उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अभी अमित चला रहे हैं और भाभी रेस्ट कर रही हैं। नानी नानू तो सोए ये आ हैं। गई है पलकों की वीडियो कॉल। आज पलक नहीं आई है हम लोगों के साथ, क्योंकि क्या धूप भी हो गर्मी रही थी हुई है। और काफ़ी दूर भी है, तो इस वजह से ये नहीं आई। तो बार बार वीडियो कॉल कर करके हमारे हाल चाल पूछ देख रही रहे, थी स्कूल से पलक। मैसेज आया था अभी, पता नहीं क्या इंग्लिश ग्रुप से आ रहा है, सब जगह इंग्लिशमेंट का समझ नहीं आ रहा मेरे। तू क्यों नहीं आई, तेरे को बुला लो था हम। तो अभी इंटर कर चुके हैं हम किच्छा वाले मार्केट में, तो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है किच्छा, कोई बड़ा एरिया नहीं है। तो अभी गाड़ी पार्किंग की भी यहाँ पे जगह नहीं है, कहीं दूर जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो भाभी कुछ सामान लेके आई थी, साड़ियाँ वाड़ियाँ रिटर्न करने के लिए, तो बस वो ले जाते हैं और वो रिटर्न करते हैं पहले शॉप में। तो ऐसा बोला जाता है कि होलसेल की कई शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ पे सामान मिलता है, मतलब कपड़े हो गया, ज्वेलरी हो गई, और शूज़ वगैरह हो गए, सैंडल्स हो गए, तो इस टाइप का सामान मिलता है यहाँ पे होलसेल रेट पे। तो इसलिए फिर ना हल्द्वानी वगैरह के लोग इस किच्छा वाले मार्केट से शॉपिंग करते हैं। तो आ गए हैं अभी शॉप पे। तो ये सेकंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर में नीचे साड़ियाँ वगैरह हैं, सूट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूट ही सूट्स हैं। तो स्टिच और अनस्टिच आपको दोनों टाइप के सूट्स मिलेंगे यहाँ पे। और ये दोनों देखिए, इनको कोई मतलब नहीं है, हम कुछ भी करें, बैठ के अपना फ़ोन चला रहे हैं आराम से। और हम यहाँ पे देख रहे थे पहले, हमने उधर सूट देखे, हमें वहाँ पे पसंद नहीं आए, तो फिर हम इधर स्टिच देख रहे हैं जो प्लाजो और पैंट वाले थे। तो मैं और भाभी तो लगे हुए हैं अपने काम करने में। तो कपड़ों का सिलेक्शन करना भी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो कलर इतने सारे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर लें। जो कलर हमें पसंद आ रहे हैं वो हमारे पास हैं पहले से, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं।
और जो कलर नहीं है उनमें हमें पैटर्न डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस शॉप का नाम है गायत्री साड़ी और करिश्मा साड़ीज़ करके। यहाँ पे ब्राइडल लहंगे, वेडिंग साड़ी, डिज़ाइनर सूट्स, पार्टी वेयर गाउन, कुर्तीज़, इंडो वेस्टर्न ड्रेस और वुलन शॉल्स मिलते हैं। तो ये शॉप सिंधु गली में है, किच्छा में। तो आप लोग भी अगर कभी शॉपिंग करना चाहते हैं होलसेल रेट पे तो आप यहाँ पे से कर सकते हैं। तो अभी आ गए हैं हम बर्तनों वाली शॉप पे और यहाँ पे भाभी ले रही हैं ये स्टैंड, कपड़े सुखाने वाला जो बरसात में यूज़ होता है आजकल। तो रेट का पता कर रही हैं कि कहाँ से हमें अच्छा मिलेगा। तो 2200 का स्टैंड है ये वाला। तो ये आ गए हैं अभी हम यहाँ पे, फूड कोर्ट टाइप का है यहाँ पे, मतलब सारे चाउमीन मोमो वाले बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ खाने की सोच रहे थे लेकिन बहुत ही बेकार था यहाँ पे, साफ़ सफाई भी कुछ नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने कुछ नहीं खाया। तो बस अब निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ को, क्योंकि घर पहुँचने में भी फिर हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले रूट पे जाम भी बहुत रहता है। तो इस वजह से फिर निकलते हैं फटाफट से। हल्द्वानी से काफ़ी दूर है किच्छा, मतलब कोई ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए नहीं आ सकते हम। जब कुछ बड़ी ख़रीदारी करनी हो तब आ सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो काफ़ी दूर है ये। हो गई है हमारी किचन से वापसी और 9 बजे आए हम घर, और अभी मैं पी रही हूँ चाय। खाना वाना हो गया है और बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, मतलब 1.5 घंटे किचन जाने का और 1.5 घंटे आने का। बीच में इतना ट्रैफिक भी था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वहाँ पे, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जिस हिसाब से वो शॉप थी बड़ी सी, उस हिसाब से वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, और हमारे अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगा। ओके ओके था, एक दो चीज़ें ही पसंद आई हमें, ऐसा कुछ पसंद नहीं आया वहाँ पे। तो थकान लगी हो और एक कप चाय मिल जाए तो पूरी थकान ही उतर जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या लिया है किच्छा से। तो सबसे पहले तो ये वाला ड्रेस, ये वैसे ही है काफ्तान, जैसे मैंने जैसे संगीता दीदी ने गिफ्ट किया था ना मुझे, वही ड्रेस है ये भी। ये भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, एक तो कार्तिक के बरबंद का और मेरे बर्थडे का, तो ये भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है ये, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो भाभी को थैंक यू, और मतलब ये मेरी पसंद का था, मुझे और भाभी को ये, मतलब हम दोनों को ये अच्छा लगा ये वाला, तो फिर भाभी ने ये मुझे गिफ्ट किया है। तो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है ये, तो थैंक यू सो मच भाभी। तो इसके साथ, जैसे उसके साथ प्लाजो नहीं था जो दीदी ने दिया था, तो इसके साथ प्लाजो है, मतलब पैंट है इसके साथ। तो ये मैंने देखा था पहन के, थोड़ी पैंट लॉन्ग है, इसको कटवानी पड़ेगी थोड़ा एंकल लेंथ बनाने के लिए, इस टाइप के फ्रिल लग रखे हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा कटवानी पड़ेगी, लॉन्ग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो मुझे कलर कॉम्बी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं ले आई। दूसरे जो मैं ड्रेस लेके आई हूँ, तो मैं ड्रेस व्रेस कुछ नहीं लाई ऐसी, तो
सूट्स वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ, इस वजह से मैं लाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर कुर्तियां और लेगी पहनती हूँ या पैंट पहनती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं वहां से सूट नहीं लेके आई। तो ये मुझे ना कट पीस का कपड़ा मिला वहां पे, ये वाला, तो मुझे और भाभी को ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 2.5 मीटर मैंने ले लिया और 2.5 मीटर भाभी ने लिया है। तो ये है इसका पैटर्न, इसलिए मैं कुर्ती बनाऊंगी। अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ले लिया। फिर थोड़ा डार्क कलर भी अच्छा लगता है ना कभी कभी। और एक ये है सी ग्रीन कलर का, एक मैंने ये लिया। तो ये काफी हल्का है, कॉटन, प्योर कॉटन तो नहीं है ये, मिक्स कॉटन है, पर अच्छा लग रहा था। इसमें 3 कलर थे, एक पिंक, एक ये ही अभी ग्रीन कलर का, तो यही वाला अच्छा लग रहा था, तो ये ही आई मैं। तो सूट वोट तो फिर ऐसा होता है ना कि सूट लो तो फिर सिलवाने क्या पता, फिर टेलर ने अच्छा नहीं सिला तो फिर वो भी टेंशन हो जाती है। या तो सिलाई सस्ती हो तो कोई बात नहीं, आप ले भी सकते हो, लेकिन जब सिलाई महंगी हो ना तो फिर आप सूट वोट का इतना लालच नहीं रहता है फिर मुझे, तो इस वजह से मैं लेती भी नहीं हूँ। ज्यादातर तो मेरी कुर्तियां रहती है और पैंट रहती है, लहंगी रहती है, तो एक ही लहंगी भी आपकी कई कुर्तियों के साथ चल जाती है, एक ही पैंट आपकी कई कुर्तियों के साथ चल जाती है, इस वजह से फिर मैं यही खरीदती हूँ। तो ये मैं पहले से ही खरीदती थी, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे यही वाले कपड़े अच्छे लगते थे, थान के पीस मैंने फिर तो भी बहुत सारे खरीदे, ये शादी से पहले भी मैं लेती थी बहुत सारे। तो वो मेरे ना वो जो अभी तक भी चल रहे, जो शादी से पहले वाले हैं वो मेरे अभी तक भी चल रहे, वो इतने अच्छे निकले। इस कपड़े में थोड़ा सा हमको लग रहा था ऐसा कि पतला सा कपड़ा लग रहा था, तो वो बोल रहे थे कि ये जितना आप धोओगे उतना ज़्यादा ये और मतलब अच्छा होता जाएगा इसका स्टॉक। तो चलिए देखते हैं इसको भी ट्राई करके कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये जो ये वाला कुर्ता है ना, इसके लिए भी लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से खरीदा हुआ ये वाला, ये पिंक वाला जो मैंने पहना ही रहता है। तो ये पिंक वाला कुर्ता मैंने अजियो से खरीद रखा है, जब श्वेता की शादी थी मेरे सिस्टर की तो तब खरीदा था मैंने ये, और सिर्फ 700 का था ये कुर्ता। और पहले तो जब मैंने स्टार्टिंग में से धोया तो इसका काफी कलर निकला, बहुत ज्यादा कलर निकला, अभी भी निकलता है, लेकिन इसकी चमक अभी वैसे की वैसी है, कलर निकलने से इसका कोई भी डल कलर नहीं हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला कुर्ता, तो इसे मैं पहनना स्टार्ट कर दिया मैंने, नहीं तो ये फिर रखा रहता और ये पहना भी नहीं जाता और इसका फैशन भी चला जाता, तो इसलिए मैंने ये पहनना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए फिर यही था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।